शेर को समझाने की जरूरत नहीं है कि शिकार कैसे करते हैं नैरोबी। इस खेल के तो हम पुराने खिलाड़ी हैं। यही तो वो पल है जिनके लिए हम जीते। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। तो आ गए हम एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। यार इस बार वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, तो उसके लिए सॉरी। आज जो तकरीबन 14 दिन है जो कि मैंने वीडियो पोस्ट नहीं की थी, आज पोस्ट कर रहा हूँ। असल में सीन ये हुआ था कि मैं थोड़ा बिजी था, गेम शेम में नहीं खेला, और साथ में मेरे पास वीडियोज़ वगैरह पड़ी थी और एडिटिंग के लिए टाइम नहीं था। तो आ गए यार, एक मेरी इतनी बुरी आदत जो कि गेम में है, ये जो जब भी मैं स्नाइपर शॉट मतलब AWM का फायर सुनता हूँ ना, तो मैं वहशी हो जाता हूँ, समझ रहे हो, एकदम घुसता हूँ उनमें से। उनसे स्नाइपर मैंने किसी तरह भी लेना होते, तो यहाँ पे इन लोगों ने मेरे को स्नाइपर शॉट दिया, तो इनको मैंने एक दो बार नॉक कर दिया था, तो नॉक होने से कुछ नहीं हुआ, दूर थे तो पकरोटों ने खुद रश कर दिया और मारे गए। अच्छा तो अब आते हैं मेन कहानी की तरफ। या इवेंट पे दो बंदे सामने मुझे नजर आते हैं, एक दोनों को मैं नॉक करता हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट रश करता हूँ। यहाँ पे मुझे पहला बंदा जब मैंने नॉक किया, उसका नाम जो मेरे क्लैन की तरह नाम था, मतलब जैसे मेरे क्लैन था, अब तो मैं किसी क्लैन में नहीं हूँ, जो कि अब शरीफ हो चुका हूँ, मतलब मेरा नाम किसी ने चोरी कर दिया, उसके बाद क्लैन शेन सब कुछ मैंने लीव कर दिया। तो यहाँ पे इनके नाम देख सकते हैं, मून ओपी और एवेल ओपी ऐसे करके कुछ नाम थे। अब इनकी बातें सुनो। राज भाई जल्दी कैसे यार, राज भाई हेलो, राज भाई जवाब जवाब खुराक राग भाई चरंग राग भाई शेयर राग भाई माँ तासु पिसे नुम मिशा दही दा ईवल ओपी मून ओपी खराब हो सियो दा मरा तासु नुम बदल के यार तासु नुम चोरी कर दे मार टिकटॉक माने वीडियो ली दले बतासु सॉरी यार माँ दा तबुल मेल मैं किल को और दा कस से कम दा बस चवर तू है सॉरी ब्रो थैंक यू ब्रो जडेर बिग फैन हम तासु यार। अच्छा तो यहाँ पे जहाज में इनके साथ बातचीत हो जाती है, वो कह रहे हैं कि मैंने आपके तरह नाम लिखा हुआ था, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो यार दिल से खुशी हुई, वल्ला हर क्रिएटर का यही दिल होता है कि उसकी एक आर्मी हो, उसकी हर बात माने, उसके साथ हर बात शेयर करे। तो मेन चीज़ ये मुझे बहुत खुशी हुई। तो यहाँ पे इस बंदे को मैं दोबारा नो करता हूँ, फिर दोबारा से मैंने इसको उठा के लाता हूँ उनके टीममेट की तरफ के भाई जान रिवाइव करो इसे। तो दिल से रिस्पेक्ट है आप सब के लिए, वल्लाह दिल से खुशी हुई। तो यहाँ पे दो बंदे थे, उसको मैंने नॉक कर दिया, फिर लेफ्ट से रश करता हूँ या तीसरे बंदे को भी मारता हूँ, तो यहाँ पे सीन ख़त्म हो जाते हैं। ऊपर जाके मैं स्नाइपर उठाता हूँ। अच्छा तो यहाँ पे इसको मैंने एक दे दिया था हेडशॉट, जो कि इसने हमारे मलक साहब को नॉक कर दिया था, उसके बाद ही ऊपर पैराशूट पे बैठा होता है, इसको भी मैं देता हूँ पटका। जो सामने बंदे थे वो मेरे फैन थे, इस वजह से उन पर रश नहीं किया। अच्छा यहाँ पे सीन चेक करना, इस बंदे को मैंने कर दिया नॉक। अब यहाँ मैं फुल कवर में आ चुका था, फुल कवर में इसने मुझे मार दिया था। अच्छा तो यहाँ पे जो एक बंदे को मैंने स्नाइपर से नॉक कर दिया था, यार ये स्नाइपर का एक किस्म का जो क्या बोलते एक किस्म का कीड़ा बोलो या खारिश बोलो जो भी बोलो तुम लोग की मर्जी है, लेकिन इसका है कोई ऐसे जिस बंदे का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जब स्नाइपर मिलती है ना, वल्ला AR चलाने का मेरा दिल नहीं करता, बस स्नाइपर से नज़दीक से मरता हूँ, काफ़ी दफ़ा में मरता हूँ, 12 किल 13 किल करके वीडियो के चक्करों में, जबकि मैं सोचता हूँ मेरा कंटेंट ही स्नाइपर है, तो इसी वीडियो के चक्कर में वल्ला ही मैं मरता हूँ, और मुझे इतना गुस्सा आता है ना जब मरता हूँ ऐसे करके। नज़दीक से भी स्नाइपर, कभी कभी मैं ख़ुद को कहता हूँ कि यार ये क्या सीन है, नज़दीक से भी स्नाइपर चलाते हो, टीममेट तो हर रोज़ कहते हैं यार ये नज़दीक स्नाइपर ना चलाया करो। खैर मैं तो फिर भी कंटेंट के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आज आप लोगों ने यूट्यूब पर मैंशन वाला सीन अगर है तो कमेंट बॉक्स में अपने ऐसे टीममेट को मैंशन करो जिसको स्नाइपर का समझ रहे हो बहुत शौक। अच्छा एक बात और जो आप लोगों ने इग्नोर कर देने हैं, जो कि मेरे इसी वॉइस ओवर के बैकग्राउंड में बच्चों के थोड़े थोड़े शोर आते होंगे, जो कि मैं तो बहुत कोशिश करता हूं कि ना आए, लेकिन फिर भी आ जाती है। वो मसला ये है कि मेरे घर के बिल्कुल सामने, जो कि मतलब मेरे से अब 20 फुट की दूरी पे स्कूल है, वहाँ पर बच्चे सबक वगैरह पढ़ते हैं, तो मतलब बहुत तेज़ कभी चीखे मारते कभी क्या, वैसे मेरा तो दिमाग खाली है, लेकिन कोई नहीं, मैं भी गुजारा करता हूँ, आप लोग भी थोड़ा गुजारा कर लो। खैर कोई नहीं, बच्चे को इग्नोर मार देना है आप लोगों ने, और यहाँ आते कुछ 24 की तरफ। यार एक चीज़ बहुत मज़ा आता है, जब शुरू में बंदर लैंड करके उतरते हैं और सबसे पहले उसे गन मिल जाती है और सामने पैराशूट से बंदे आते हैं, कितना मज़ा आता है उनको मारने में, जितना मज़ा आता है, मैं सोच रहा हूँ कि गेम में किसी भी पार्ट में इतना मज़ा नहीं होता जितना उस टाइम होता। तो यहाँ पर तो मैंने 1v5 कर दिया था, उसके बाद मुझे मिल जाती है MR से भी, यहाँ पर मैंने एक दो बंदों को नॉक कर दिया था,
तो यार एक आखिरी बोट बिछा रहे थे यहाँ पे, मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा था, तो जो फुल गेम प्ले मेरे पास थी 15-16 किल की मैंने अपलोड इस वजह से नहीं की, क्योंकि कभी कभी ये 1v4 वगैरह भी अपलोड कर लिया करेंगे, हर टाइम गेम प्ले से बंदा बोर हो जाता है। तो अब आता हूँ यहाँ दूसरी इवेंट वाली साइड, तो यहाँ पे सामने सामने एक बंदा होते हैं, उसे मैं नॉक कर देता हूँ, उसके बाद मैं आराम से घुसता हूँ, रश करता हूँ उन पे, तो ये बंदे थोड़े नूब निकल जाते हैं, तो इसको तो मैंने मार दिए थे, 1v2 कर लिया था इन पे। अब यहाँ पे मेरे साथ सीन क्या होता है, यहाँ पे इनको मैं नॉक करता हूँ, शायद एक बंदा मैं नॉक करता हूँ, ऊपर एक और भी होता है, तो इन पे भी मैं रश करता हूँ। तो यहाँ पे भी ये लोग मुझे मार देते हैं, तो उसके बाद आते हैं दूसरे इवेंट के साइड, तो यहाँ पे इन दोनों ने मेरे टीममेट को नॉक कर दिया था, और एक को तो मैंने आसानी से नॉक कर दिया, और दूसरे को थोड़ा सा रिफ्लेक्स दिया, मतलब समझ रहे हो, थोड़ा सा रिफ्लेक्स। अब यहाँ पे मुझे फिर से ग्रोजा मिल जाती है, स्नाइपर नहीं मिलती, और मैं ट्राई करता हूँ कि स्पाइडर बनाऊँ, लेकिन समझ रहे हो थोड़ा मुश्किल हो जाते, इतने में ऊपर से दो बंदे और लैंड हो जाते। अब देखना, इन्होंने मेरे टीममेट को फुल फिनिश दिया, फिनिश नहीं करना चाहिए था, जो कि इन लोगों को नॉक कर दिया, मैं रहता था, मुझे मार के फिर उन लोगों ने हम दोनों को मुक्के मार लो, लेकिन शुरू में फेस्ट नहीं, मतलब फिनिश नहीं करना चाहिए था इनको। अब यहाँ पे मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, इनको थोड़ा सा मैंने ग्रोजों से गलत करके फेल दिया, जो कि मैंने अपने टीममेट का बदला ले लिया था। और यहाँ पे सामने ग्लेशियर वाला बंदा होता है, जो कि मुझे बहुत खतरनाक स्प्रे देते हैं। ओह माय गॉड, दिस इज अ बिजनेस, उसको तो मैंने नॉक कर दिया था। अब मैं इन पे मैं या हीलिंग करके इन पे रश करने लगा हूँ, इतने में उनके दो बंदे और आते हैं, जो कि बगी से रश करते हैं, इनको बगी से एक बंदा मैं नॉक कर देता हूँ, लास्ट बंदा या गलती से मर जाता है बेचारा, जो कि मैं गलत स्प्रे देता हूँ फॉरेक्स से, तो यहाँ पे ये स्क्वाड भी फिनिश हो जाता है। और इनसे लूट शूट करके निकलता हूँ अभी आगे चंकी वाली साइड, अब यहाँ पे 1v3 वाला सीन है, तो ये बेचारा कोई जो चर्स वर्स वगैरह पिया था, तो समझ रहे हो या लगाया था, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने मुझे बंदा देख लिया, अब ये देखो मैं नीचे फायर करता हूँ कि वो बंदा ये देखे कि मतलब वो तो उस साइड फायर कर रहे हैं, वो देख ले, तो उसने देख लिया था बेचारे को, मार दिया। अब यहाँ इनका लास्ट बंदा होता है यहाँ पे, जो कि मैं इन पर भी रश कर देता हूँ। तो बाकी वीडियो यहीं तक थी, वॉइस और आज थोड़ा एडवांस हो चुका है मेरे ख्याल में मेरा, तो इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीडियो बहुत खूबसूरत आने वाली है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें नेक्स्ट वीडियो में। और मैं गलत करता हूँ, जो कि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों को गलत टाइम पे आता है, जो कि कभी 2 बजे आते हैं, कभी रात 2 बजे आते हैं, तो हम लोगों ने वीडियो का मतलब ऐसे एक टाइमिंग रखनी है, जो कि हम लोगों ने आज के बाद डेली वीडियो दिन 2 बजे पोस्ट करनी होगी, जिसको भी नोटिफिकेशन आते कम से कम सिर्फ नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लिया करें, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, वीडियो पूरी देखती हो नहीं देखते हो, लेकिन लाइक लाजमी कर लिया।